फराजुल कहता के बाद वहाँ कुछ लोग जाते हैं उदयपुर कोर्ट में जाके हुड़दम मचाते हैं, उदयपुर कोर्ट में जाके वहाँ तिरंगा हटा के भगवा झंडे को लहरा देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ दूसरे समुदाय के लोग जब न्याय की मांग करके प्रोटेस्ट करते हैं तो उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। वो दिखाता है कि कोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया, इस देश की न्याय व्यवस्था पे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद वहाँ के लगातार मंत्री नेताओं का बयान आ रहा है, वो मंत्री नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया हो चाहे वो ज्ञान देव आहूजा हो। हालात इतने बिगड़ चुके हैं जो हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी का एक अहम पिलर है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, तो जो मॉब है उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो मुसलमानों और ईसाइयों के ऊपर या दलितों के ऊपर ही हमले नहीं कर रहा, उसने सीधे सीधे तौर पर जो जमहूरियत का डेमोक्रेसी का एक अहम पिलर जो है जुडिशरी उसके ऊपर हमला किया है। हमने देखा अभी गुजरात चुनाव में जहाँ बीजेपी बात करता था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, उस गुजरात के अंदर जब चुनाव हुए तो उनके पास विकास मुद्दा नहीं था, उनके पास वो जो बड़े बड़े वादे किए थे वो मुद्दे नहीं थे, क्योंकि अब उनके पास बताने के लिए कुछ रह नहीं गया, उनके पास ये बताने को रह नहीं गया कि 2 करोड़ रोजगार लोगों के पास नहीं है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, कालाधन वापस नहीं आया है, करप्शन खत्म नहीं हुआ है, तो अब उनके पास एक ही तरीका रह गया कि सांप्रदायिकरण करो, सांप्रदायिक तनाव करो, पोलराइजेशन करो, उसी के चलते वो चुनाव जीत सकते हैं। साफ है कि 3 चीजों के लिए हमारी लड़ाई है, सबसे पहले कि ये सत्य की लड़ाई है, सबसे बड़ा खतरा जो आज है वो सत्य को है, इन लोगों की राजनीति जो है वो सबसे पहले जिस पे प्रहार करती है वो सत्य पे प्रहार करती है, जिससे कि सत्य का कोई मायने ही ना रह जाए, और वो साफ है हमें किस तरह से वो लोग करते हैं, वो इतिहास को बदलते हैं, तो एक झूठ का जो सिलसिला है वो इनकी राजनीति का पहली कड़ी है, तो एक हमारी जो लड़ाई है वो हमें मालूम है कि वो सत्य की लड़ाई है। तो आज हमारा जो ख्वाब है, हमारे बुजुर्गों का जो ख्वाब है, जो जिसमें भगत सिंह हैं, अंबेडकर हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, सरोजिनी नायडू हैं, मौलाना आज़ाद हैं, हसरत मोहानी हैं, उन सब का जो ख्वाब है हिंदुस्तान का, उस हिंदुस्तान को बचाने की आज ज़रूरत है, उस तिरंगे को बचाने की ज़रूरत है। बस हमारा यही कहना है कि इस देश की व्यवस्था चलेगी किससे, संविधान से चलेगी, कि वो भगवा झंडे लेके जो ऊपर चले जाने वाले गुंडे हैं जिनको मोदी जी वसुंधरा राजे लगातार संरक्षण दे रहे हैं उनसे चलेगी।